नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी सहित बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जिले भर में पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागरण किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ भाऊ अपने सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेसी कर रहे प्रदर्शन, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। उन्हीं के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले के समस्त ब्लॉकों में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि एवं हर तरफ बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर किया जा रहा है। यहाँ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा। आने वाले समय में यदि महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम सड़कों पर उतरकर करेंगे। साधारण धरना है, किसी को परेशानी ना हो, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए धरना दिया जा रहा है, क्योंकि है डीजल और पेट्रोल का मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। इसके कारण डीजल पेट्रोल के कारण पूरी महंगाई बढ़ने के कारण, चाहे वो राशन हो, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल का काम हो, चाहे जो भी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही ट्रांसपोर्ट होता है, इसके कारण हर वस्तुएं महंगी होती है और वो सीधे जनता पर मार करता है। क्योंकि कोरोना काल में 3 महीने जनता वैसी परेशान है, लेकिन ये केंद्र की सरकार, युवराज सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे कर रही है, इससे जनता बहुत त्रस्त है और महंगाई के कारण उनका जो बजट होता है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, उससे घर चलाना बड़ा दुभर हो रहा है। यही कांग्रेस कमेटी हमारा इसीलिए जनता से और की ओर से कांग्रेस के माध्यम से मोदी सरकार, केंद्र सरकार की तक आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे कांग्रेस ने पूरे हमारे जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता कमलनाथ जी, जिले के सांसद नकुलनाथ जी के निर्देश पर पूरे जिले के पेट्रोल पंप पर हम आज धरना आंदोलन दे रहे हैं। जिस प्रकार डीजल के रेट बढ़े, 100 रुपये करीब डीजल पहुंच रहा है, 100 के पार डीजल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, रसोई गैस के भाव आसमान छू रहे हैं, दाल अन्य जो जीवन उपयोगी वस्तु में आसमान छू रहे हैं, तो निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल का ऐसा संबंध है कि उससे हर परिवार प्रभावित होता है। चाहे परिवहन की बात करें, अब उपभोक्ता की बात करें, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ने जिस प्रकार पूरे देश को जो हालत की है महंगाई के कारण, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप जिस राज्य में हमारी जनता, हमारा आम उपभोक्ता, आम नागरिक, आम महिलाएं सब परेशान है। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।